तो भाइयों, अब जैसा कि जानते ही हैं कि वकांडा फॉरएवर अब दूर नहीं है, कल इसका ट्रेलर भी लॉन्च हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस मूवी में टचाला वाले ब्लैक पैंथर की डेथ को जस्टिफाई कैसे करेंगे। अब ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि एमसीयू इसे प्रेजेंट कैसे करेगा। लेकिन हम सब मार्वल के जबरा फैन है तो कुछ ना कुछ खुराफात मन में चलता ही रहता है, तो इसको लेके मेरे पास कुछ थ्योरीज हैं जिन पे आज हम बात करेंगे। तो मुझे लगता है कि इसे ऐसे दिखाया जा सकता है कि जब किलमोंगर से टचाला का बैटल हुआ था किंग बनने के लिए, तो किलमोंगर से लड़ते वक्त टचाला उस झरने से नीचे गिर जाता है जहां उसको चोट लग जाती है। पर जब टचाला की बॉडी एम्बाकू को मिलती है तब टचाला लगभग मर चुका होता है। पर जैसा कि जानते ही हैं कि वकांडा में बहुत सी मिस्टिकल चीजें मिलती हैं, तो एम्बाकू टचाला को बचाने के लिए एक हर्ब या कहें एक दवा को जो टचाला को देता है, जो दवा अभी अपनी इनिशियल स्टेज में थी, जिसके लेने से टचाला को कुछ वक्त मिल जाता है कि वो एटलीस्ट मरे तो नहीं। फिर टचाला का किलमोंगर के साथ एक बार और बैटल होता है जिसमें टचाला जीत जाता है। पर अब वो दवाई जो टचाला को एम्बाकू द्वारा दी गई थी वो अब आगे चलकर टचाला को इन्फेक्ट कर देती है, जिससे टचाला को कैंसर हो जाता है। अब एमसीयू में भी हमें ये दिखाया गया है कि भैया उनके हीरोज भले ही कितना उड़ लें, नक्शेबाजी कर लें, हीरोपंती कर लें, लेकिन उनके पास भी रियल वर्ल्ड की तरह कैंसर का कोई इलाज नहीं है। और ये चीज हमने थॉर 11 थंडर में जेन फोस्टर के साथ देखी भी थी कि उसे कैंसर हो जाता है, तो अपना थॉर भी उसे बचाने के लिए कोई एस्गार्डियन जादू का प्रयोग नहीं कर पाया और फिर परिणाम स्वरूप अपनी जेन फोस्टर चल बसती है। तो इसे इस तरह से भी दिखाया जा सकता है, नहीं तो मार्वल इसको सिंपली भी दिखा सकता है कि टचाला को कैंसर हो जाता है जिसकी वजह से वो अब हमारे बीच नहीं रहा। और मुझे काफी हद तक ऐसा लगता है कि मार्वल ने और चैडविक बोसमैन ने इन चीजों को पहले से ही शूट कर लिया होगा, क्योंकि हम सभी ये बात जानते हैं कि चैडविक बोसमैन को कैंसर था और डॉक्टर ने उनको ये बात बताई होगी कि उनके पास कितना समय बचा है। तो हो सकता है कि इस चीज को ध्यान में रखते हुए चैडविक बोसमैन सर ने अपनी डेथ वाला शूट पहले ही कर लिया होगा। अब बस मुझे ऐसा लगता है, अब ऐसा हुआ होगा तो पब्लिक उनसे और भी ज्यादा कनेक्टेड फील करेगी। ये बात बस मेरे मन में थी तो आपसे शेयर कर दी। आपका इस पे क्या कहना है कॉमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। और अब मैं वापस आ चुका हूँ पूरे एक साल के बाद, तो कॉमिक स्टोरीज भी आती रहेंगी। बस तब तक आपके मन में कोई भी डाउट या क्वेश्चन हो तो कमेंट में उसे शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर किसी वजह से नए आ गए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तब तक के लिए मैं चलता हूँ, आप अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में।